आसमान में छाए बादलों की वजह से शुक्रवार को नागपुर में मौसम का मिजाज बदल गया 24 घंटों में अधिकतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के साथ 25.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया इसी दिन में ठंड की अनुमति होने लगी है वही दिन भर ठंडी हवाओं का दौर भी जारी रहा बादलों की वजह से दिन में सूर्यदेव का दर्शन भी नहीं हुआ है मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण अंडमान सागर व आसपास के क्षेत्र में साइक्लोनिक सर्कुलेशन तैयार हुआ है वही निवार चक्रवात की वजह से भी कुछ आर्द्रता मध्य भारत के आसमान में प्रवेश की है इसी बीच बंगाल की खाड़ी में आगामी छत्तीस घंटे में एक और कम दबाव का क्षेत्र तैयार होने वाला है जिसकी वजह ऐसी दिसम्बर की शुरुआत के साथ ही तमिलनाड डू व पुडुचेरी के सीमावर्ती इलाकों में बारिश होगी नागपुर में शुक्रवार को सुबह से ही बादल छाए हुए और शुष्क हवाएं चलती रही हवाओं की वजह से पारे में गिरावट दर्ज की गई पारा सामान्य से पांच डिग्री नीचे जाने की वजह से ठंड की अनुभूति होने लगी दिन भर धूप नहीं खिली इससे लोगों को इस मौसम में पहली बार दिन में ही गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ा बादलों की वजह से विदर्भ के अन्य जिलों में भी दिन का तापमान गिरा वाशिम 15 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा नागपुर के साथ ही बुल्ढाना में अधिकतम तापमान पच्चीस डिग्री के साथ कम रहा